नमस्कार दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों एक ही मिशन रेलवे एनटीपीसी। दोस्तों एनटीपीसी के अंदर मैथ के जो प्रश्न आते हैं, जो 35 में से आपको 30 प्लस आपको राइट करने हैं। हम जीरो बेस से शुरू कर रहे हैं, मैथामेटिक्स शुरू कर रहे हैं, तो रोजाना हम 10 से 15 क्वेश्चंस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रंथ हो जाएगा और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज हो जाएगी। आपकी मैथ की क्लास होगी, रीजनिंग की क्लास होगी और जीके 50 में से 50 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों जल्दी से बताइए, अब की बार रेलवे को आर पार कर देना है। दोस्तों आर और पार करना है रेलवे को। चलिए दोस्तों प्रश्न देखिए, 169 पर्सन चिक चिन्ह 361 29, 141 961, खाली जगह पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों ये आपका 13 का स्कोर है, उसके बाद ये देखिए ये स्कोर है 17 का स्कोर है, ये 529 19 का सॉरी ये 19 का स्कोर है 361 और 529 23 का स्कोर, किसका स्कोर है 23 का है, और 841 है दोस्तों ये 29 का स्कोर है और 961 है ये 31 का स्कोर है। तो चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए क्या हो रहा है। दोस्तों यहाँ आप देखेंगे 19 का और यहाँ पर आप देखेंगे 23 का, तो विषम संख्याएं चल रही। कौन सी संख्या चल रही, विषम संख्या चल रही। तो यहाँ पर आपकी क्या है 17 का स्कोर, यानी 17 × 17। दोस्तों 17 × 17 कितना होता है 289, कितना होता है 289। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या है 289। समझ में आया या नहीं आया, अगर आपको समझ में आया तो जरूर बताइए, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर स्क्रीन शॉट भेज कर आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए। चलिए दूसरा नंबर देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट सेशन हम लेके आ चुके हैं। अब की बार रेलवे आर पार करना है। एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़ जाइए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर। यहाँ आगे जो खाली जगह है, इस प्रश्न वाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी, ये सवाल पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न शुरू करते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिए 3 × 1 + 1³ कितना हो रहा है 4, 4 × 2 + 2³ कितना हो रहा 8, और 8 16। अगला देखिए 16 × 2 + 3 का स्कोर कितना हो रहा है 32, 32 + 27 कितना हो रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सॉरी 32 × 3 1 2 3 तो 48 कितना 48 × 27 कितने हो रहे 75। यहाँ पर देखिए 75 × 4 + 4³, सभी में क्यूब चल रहा है। देखिए 75 का हो रहा है 300 और 4 का हो रहा है 64, कितना हो रहा है 364। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खाली जगह 364 × 5 + 5³। अब 364 का 5 का भाग 4 × 5 = 20, हंसल की 2 और 9 × 5 = 30, 32 हंसल की 3 और 9 × 5 = 15 3 = 18। दोस्तों 1820, अब 5 का क्यूब कितना है 125, जोड़ लीजिए दोस्तों 5 + 4 = 9 = 945 क्या है 945। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया 945, आपके प्रश्न का राइट आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, एक बार नहीं 10 बार समझ लेना है, उसके बाद ये मत बोलना सर आपने समझाया नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। जल्दी से प्रश्न को करना है और उत्तर बताना है। रेलवे एनटीपीसी मिशन, एक ही मिशन है रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 को पार करना है और नौकरी लेनी है, सिलेक्शन लेना है। चलिए दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखिए 3 2 1 कितने हो रहे 3 5 1 6 6 और लसब ले लीजिए भैया,
क्या ले लीजिए, लसब ले लीजिए। अब देखिए लसब कितना आएगा, 3 4 2 12 आ जाएगा। 12 का भाग कितनी बार गया, 4 बार, 4 × 2 8 प्लस 4 का भाग कितनी बार गया, 3 बार, 3 × 3 9 प्लस 3 का 2 का भाग 6 बार प्लस 6 कितना हो गया, 6। अब जोड़ लीजिए दोस्तों, 6 का 6, 12 का 12। अब देखिए 6 और 9 15, 15 और 8 23 कितना हो गया, 23। 23 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो एक बार गया, पीछे शेषफल कितने बचे, 11, तो ये कहाँ हो जाएगा, प्लस 1। तो दोस्तों प्रश्न का उत्तर हो गया 7 + 11/12 ये हो गया, यानी 7 सही 11/12 ये प्रश्न का आपका उत्तर हो गया। प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया, अच्छी तरीके से समझ में आया, नहीं समझ में आया ना दोस्तों बार बार पूछ लेना, फिर मत बोलना सर आपने सही नहीं बताया है या मुझे समझ में नहीं आया, एक बार नहीं 10 बार, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ये 0 बेस से शुरू करें मैथमेटिक्स, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एक एक चीज़ मैं करवा रहा हूँ। चलिए देखिए 250 का 36%, पहले इनको सॉल्यूशन कर लेते हैं, 250 × 36/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 बार, ये 2 बार, ये 18 बार, तो 18 × 5 90। अब देखिए इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, सबसे पहले इंटू का इंटू, 50 × 18/100, 50 का 2 बार 2 का 9 बार, तो ये हो गया यस, बराबर x × 10। करना क्या है, x है प्लस में, ये जो गुणे के अंदर यहाँ पर बट्टे के अंदर भाग आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 9 × 9 बराबर x, कितना हो गया 81। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया, 81। ये इस प्रकार से प्रश्न आपको करना, तो इस x का मान क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81। क्लियर, समझ में आ गया, तो प्रश्न का राइट आंसर क्या है, 81। समझना है, कुछ नहीं करना है, केवल समझना है, जल्दबाजी ना करें, जितना हो उतना सही करें, और जितनी जल्दबाजी है, जल्दबाजी तो आपको करनी नहीं है भैया, जल्दबाजी के अंदर आप क्या करेंगे, गलत कर लेते, क्या कर लेते, गलत कर लेते। देखिए x का 52/100% बराबर 182, अब ये इधर चला जाएगा इंटू 100 और ये बट्टे के अंदर आ जाएगा 52 आ गया, बार कुछ भी नहीं करना है, इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिए, क्या कर लीजिए, सॉल्यूशन आप कर लीजिए। देखिए सबसे पहले 52 का भाग इसमें आप कितने बार दोगे, नहीं आ रहा है तो 52 यहाँ देखिए 26 बार, 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 26 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 26 बार। देखिए मैं समझा देता हूँ, यस ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, बराबर 182। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, 52 × 100/ देखिए एक बार देखिए इसको, बराबर के अंदर क्या है, 182 × 100/52, क्योंकि ये संख्या 100 इधर जाएगी तो इंटू के अंदर 100 हो जाएगा, बट्टा 82। अब ये 26 बार चला गया, कितनी बार चला गया 26 बार, यह चला गया 91 बार चला गया। अब देखिए 13 × 7 91 और 13 कितनी बार, 13 × 2 = 26 कितना हो गए, 700, तो 700/2 कितना हो रहा है, 350 कितना हो रहा है, 350। प्रश्न का राइट आंसर क्या, 350 आपका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया, यस। देखिए देखिए एक और प्रश्न देखिए, ऐसे प्रश्न आपको ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और टैलेंटेड क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं करना ऐसे प्रश्नों को। देखिए प्रश्न क्या करा है, दोनों दोस्तों आपस में इन दोनों को गुणा कर लेना है, 16 × 32 यस, 16 × 32। अब जो आपके सामने बराबर x 1.8 × x 1.2 अगर गुणे के अंदर होता है तो ये आपस में घात जुड़ जाती है, गाता, और अगर भाग के अंदर होती तो माइनस, इन दोनों का मतलब क्या हो गया, एक्स इंटू स्क्वायर, 1 और 1 2 क्यूब हो गए, कितने हो गए, क्यूब हो गए, क्या हो गए, क्यूब। अब देखिए दोस्तों, अब 32 × 16 कीजिए, क्या कीजिए, 32 × 16 कर लीजिए। देखिए ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं, और ऐसे प्रश्न अक्सर आप गलत कर लेते हैं, लेकिन आपको गलत नहीं करना है, क्या है, गलत नहीं करना है। और मैं 32 × करूँगा तो 512,
यस हो गया 512। अब देखिए 512 बराबर एक्स का क्यूब, और ये क्यूब हटेगा तो यहाँ पर क्यूब लगेगा, और ये किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है। किसका क्यूब, 8 का। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 आपके प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए देखिए दोस्तों, ये प्रश्न देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, रेलवे एनटीपीसी से संबंधित बहुत बार सवाल और प्री क्वेश्चन के अंदर भी इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए, तो बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 5 विषय हिंदी विज्ञान गणित अंग्रेजी और संस्कृत में मिलकर नंदिता को 80% अंक प्राप्त हुए, प्रत्येक विषय में अधिकतम 105। दोस्तों 105 इंटू मैं 5 करता हूं तो टोटल आपकी जो नंबर ऑफ पूर्णांक संख्या वो आ जाती है, क्या हो जाती है, नंबर ऑफ पूर्णांक संख्या है वो आपके पास आ जाती है कि आपका कितना है। तो मैं करूंगा तो मेरे पास में 525 आ गए, कितने आ गए, 525 आ गए। यस, अब दोस्तों मैं बात करूं 525 और मेरे को 80%, 80 बटा 100, तो मेरे को नंबर कितने प्राप्त हुए। तो दोस्तों आराम से 25 का दो बार गया, 25 का एक बार गया, 25 का चार बार गया, 4 का दो बार गया, 20, तो कितने हो गए, 21 इंटू 20 कितने हो गए, 420, ये आपके हो गए 420। यानी 420 अंक क्या किए, प्राप्त किए, किसने, नंदिता ने। अब अगला 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 चैप्टर क्या कह रहा है, अगला इसी की लाइन क्या कह रही है, प्रत्येक विषय में ये हो गया, देखिए 89 हिंदी में 89 प्लस संस्कृत में 92 मैथ में 98 और उसके बाद में अंग्रेजी के अंदर 82, सब्जेक्ट कितने 4 और पूछा विज्ञान में, तो दोस्तों इनको जोड़ लेंगे 9 9 10 11 11 और 8, यस इन सभी को हम जोड़ लेंगे 11 11, और यहाँ पर कितने हैं दोस्तों, एक है, कितने, एक है, 12 8 20 संसल की 2, 9 9 18 9 18 18 8, 26 26 8, 36 असल की कितने होंगे, 360। अब दोस्तों 360 मेरे पास हैं और 420 में लेके आया हूँ, तो शेष फल कितना बचा, 60 बचा। तो पूछा क्या गया, विज्ञान के अंदर नंबर कितना आए दोस्तों, 60 आए, कितने आए नंबर विज्ञान के अंदर, 60 नंबर आए, तो प्रश्न का राइट आंसर कितना हो गया, 60 हो गया। चलिए अगला देखिए दोस्तों, ये प्रश्न क्या क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या से संबंधित आपके एग्जाम की दृष्टि से पूछे, रेलवे की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आप प्रश्न देखिए, किसी देश की जनसंख्या 125 करोड़ है, प्रथम वर्ष 12, द्वितीय वर्ष 10% वृद्धि है, दो वर्ष के बारे में पूछा गया है कि दो वर्ष का आबादी पूछी कि दो वर्ष की आबादी क्या होगी, कुछ भी नहीं करना दोस्तों। आपके पास कितना 125 करोड़ है, इंटू पहले साल 12%, दूसरे साल 10% बच्चा परसेंटेज के अंदर, तो परसेंटेज यहाँ पर आप लिख लीजिए 10, क्योंकि परसेंटेज दो बार हो गया। चलिए हो गया प्रश्न का उत्तर, अब देखिए ये देख लीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए 25 का 5 बार, 25 का 4 बार हो गया, 4 का 3 बार, 5 3 15, पॉइंट पॉइंट 1.5 करोड़, कितना है 1.5 करोड़, राइट आंसर है 1.5 करोड़, आपका राइट आंसर हो गया। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देते हैं एक और प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप सभी के लिए, और बताएंगे प्रश्न का उत्तर क्या है, आसान प्रश्न है, और आसान प्रश्न का उत्तर मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर लीजिए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न कह रहा है दो अंकों की संख्या, एक संख्या इकाई है, दूसरी दाई से दुगुनी एक अधिक है। सवाल क्या है दोस्तों, इकाई, सवाल क्या पूछ, इकाई, और इकाई के बाद दहाई, यस यही होता है इकाई दहाई। अब सवाल, इकाई का अंक दहाई अंक से दुगुना है, दहाई अंक से इकाई दुगुना है, और एक से अधिक है, क्या एक से अधिक, तो प्लस एक यहां हो जाएगा, तीन हो जाएगा, यहां पर एक हो जाएगा, ये सवाल कह रहा है। अब ऐसे प्रश्न आए ना तो आप
आपको ऑप्शन लेना है, क्या लेना, ऑप्शन लेना है। जैसे दोस्तों मैं ऑप्शन की मैं बात करूं, ऑप्शन में एक बार ले लेता हूं 37 ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं 37, तो यहां पर मैं देखिए 3 यहां पर भी लिख लेता हूं, 3 यहां पर भी लिख लेता हूं। अब देखिए सवाल क्या है कि इकाई अंक दाही अंक से दुगुना है, दाही अंक से दुगुना है, तो दाही अंक से तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 1 अधिक है, प्लस 1 अधिक है तो कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 7। और इकाई और दाही अंक को आपस में बदल दिया जाए तो दोस्तों मेरे पास देखिए आपस में बदल दिया जाए, देखिए 73 और 70 बदल दिए जाए इस प्रकार से नई मूल संख्या से एक कम के, मूल संख्या कितनी दोस्तों, मूल संख्या की बात करें, क्या करें, मूल संख्या, मूल संख्या कितनी है 37, 37 में से एक कम करते तो 36 आ जाता है, क्या आ जाता है 36। तो दोस्तों ये जो आपकी है ना ये और ये इनमें से एक कम करेंगे कितना आएगा 36, मूल संख्या हमारे पास कितनी है 36, तो प्रश्न का राइट आंसर क्या है 37। क्लियर, यस। देखिए दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ना तो ये रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए एक संख्या के वर्ग में कितना 16 का स्क्वायर, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, 16 का स्क्वायर के बारे में पूछा गया है, क्या पूछा है 16 का स्क्वायर। अब 16 का स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे भैया, 16 × 16, यस, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 16 × 16, और क्यूब का मतलब क्या होता है 16 × 16 × 16, ये क्यूब का मतलब होता है, लेकिन यहां पर अपन को पूछा है स्क्वायर का पूछा है स्क्वायर। देखिए सीधा प्रश्न का उत्तर, एक मिनट भी नहीं लगेगा अगर आपको प्रश्न को बता है तो। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है 16 का स्क्वायर कितना है 289, 16 का स्क्वायर होता है। घटाने का पूछे तो प्लस 33 कर लीजिए, अगर आप प्लस का पूछते तो माइनस करते, माइनस का प्लस करते, यस 256, इसका कितना होता है 256, 16 का स्क्वायर कितना है 256 है भैया, 16 का स्क्वायर कितना है 256, और 256 प्लस 33 कितने हो जाएंगे 289, और 289 किसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर, हो गया सीधा प्रश्न का उत्तर। और देखिए आज का अंतिम प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में। देखिए सवाल क्या कह रहा है, गुण 50 उसके बाद 63 मीटर 42 मीटर लंबे 3 शहरों के बारे में पूछा गया है, यस उसकी जो लंबाई है और अधिकतम माप, दोस्तों ऐसे प्रश्न आए ना 3 शहर बराबर पूछे ना, तो ऐसी संख्या ढूंढनी है। देखिए 49, यस 63, यस 42, इसमें किसका भाग जाता है 7 का भाग जाता है, तो प्रश्न का राइट आंसर क्या आ जाएगा 7, छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी 7 आपका, और 7 इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो चलिए आज की क्लास कैसी लगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे शेयर करेंगे, और रेलवे एनटीपीसी मैथ का रोजाना क्लास हम लेके आएंगे, रीजनिंग का रोजाना क्लास लेके आएंगे, और जीके का रोजाना क्लास लेके आएंगे। वीडियो को लाइक करें शेयर करें, अपने सुझाव देते रहे, धन्यवाद।